बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए सदैव संकल्पित रहने वाले श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल प्रबंधन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विद्यालय का वार्षिक उत्सव भव्य तरीके से मना रहा है। श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल आज अपने 40वें वार्षिक उत्सव समारोह को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा सैकड़ों की तादाद में अभिभावक और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में एक से बढ़कर एक रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जिसने वहां पर मौजूद अभिभावक व दर्शकों को कार्यक्रम के अंत तक रोक कर आनंदित किया। इस शुभ मौके पर विद्या के इस प्रांगण में विद्या की देवी माँ सरस्वती और गणेश की वंदना के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक सरदार इंद्रपाल सिंह सैनी ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह घड़ी हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि हम बच्चों के भविष्य को संवारते हुए अपने विद्यालय का 40वां वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारे विद्यालय ऐसे ही निरंतर बच्चों को जायज मुकाम दिलाने के लिए सदैव कृत संकल्पित रहने का कार्य करेगा। इस मौके पर वहां मौजूद मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का विद्यालय के लोगों के द्वारा बुके देकर और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला उपायुक्त की गरिमामयी मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपने मुख्य अतिथि युवा जिला उपायुक्त श्री संदीप सिंह के संबोधन से काफी प्रभावित हुए। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी में नाटक तथा अंत में कव्वाली, नागपुरी और भांगड़ा की प्रस्तुति ने वहां मौजूद लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। पहले तो स्कूल प्रबंधन को, यहाँ के सभी टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मुझे बताया गया कि 40वीं वर्षगांठ स्कूल के स्थापना के हम लोग आज यहाँ पर मना रहे हैं, तो एक बड़ा ओकेजन है कि इतना लंबा समय एक संस्थान, एक विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य करते हुए अलग अलग पंथ, धर्म, सभी तरह के, सभी जगहों से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आज के इस शुभ अवसर पर मेरी स्कूल मैनेजमेंट को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि फ्यूचर में और भी अच्छा जो भी मैनेजमेंट का प्रयास होगा, इनका विज़न होगा, उसके अनुसार स्कूल और आगे बढ़ेगा, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। प्रबंधन को धन्यवाद कि आज उन्होंने एक मौका दिया है स्टूडेंट्स के साथ, अपने साथ इंटरेक्शन का। थैंक यू। न्यूज लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है